वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप लोगों की कमेंट आएगी कि अष्टांगिक मार्ग के ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये वही वीडियो है। और जो भाई नए हैं वो घबराए नहीं ये अष्टांगिक मार्ग को सुनकर। जब आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखोगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कहोगे कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, जो व्यक्ति आपका भिक्षु है, जिसने संसार की सभी वस्तुएं त्याग दी है, जो पूरी एकाग्रता के साथ सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में तो दुख पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है, परंतु जो लोग ना तो आपके भिक्षु बन सकते हैं और ना ही संसारी वस्तुओं को त्याग सकते हैं, क्या वे अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है उसे यह अष्टांगिक मार्ग समझना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है ऐसे 8 सूत्र जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर मुझे पूरे विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, जो है जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही देखना, कोई भी किसी भी प्रकार की धारणा बीच में ना लाना। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो जाने अनजाने आप अपने भीतर सामने वाले के लिए धारणा बनाने लगते हैं और उस धारणा के कारण ही आप सच्चाई से चूक जाते हैं। इसीलिए किसी के लिए भी पहले से ही अपने मन में कोई धारणा ना बनाएं। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प। अब संकल्प का मतलब ज्यादातर लोग जिद समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होता है लोग उसे संकल्पवान समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिद में अहंकार होता है परंतु संकल्प में अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वह करना। एक एक सूत्र को अपने जीवन में गहराई से उतार लो, कहीं लिख लो। ये सारे सूत्र आपके सभी जीवन की समस्या को सुलझाने वाले हैं, चाहे आप वासना से ग्रस्त हो या चाहे आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो या चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो। जो जो सूत्र गौतम बुद्ध बता रहे हैं अगर आपने इनको नहीं सुना और नहीं अपनाया तो मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता, इसके बाद आपको कोई भी शांति नहीं दे सकता। बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो करने योग्य है उस पर अपना पूरा जीवन लगा देना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन शॉर्ट वीडियो देखने में लगा रहे हैं, पूरा जीवन केवल सोशल मीडिया द्वारा परोसा गया कचरा खाने में लगा रहे हैं। जो करने योग्य होता है वो हम करते नहीं। बुद्ध आगे कहते हैं तीसरा सूत्र है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें खुद सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि जो झूठा है उससे सत्य का संबंध जुड़ ही नहीं सकता। सम्यक वाणी का अर्थ है जो भीतर हो वही बाहर हो। चौथा सूत्र है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना, किसी के कहने की वजह से कोई काम ना करना। आज के जमाने में कोई तुमसे कहेगा नहीं, वो तुम्हें सिर्फ अपना ग्राहक बनाएगा, और अगर तुम उसके ग्राहक आकर्षण की वजह से बने तो इसका मतलब तुम वृत्ति के साथ उसके कहने पर बने। अब लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो बेवजह, लगातार अश्लीलता और लगातार कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, कहीं भी जा रहे हो,
ये तुम उन लोगों की वजह से जा रहे हो, वो कह रहे हैं, सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं। साफ साफ कोई नहीं कहेगा कि आओ सोशल मीडिया पर लगो या लगातार वीडियोस देखो या शॉर्ट वीडियो में दिन रात लगे रहो, पर तुम उनके ग्राहक बने हुए हो। किसी के कहने की वजह से कोई काम ना करना, बल्कि वह काम करना जो करने योग्य है, जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊपर उठाता हो। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या आप पूरे दिन में ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको आपके ही नजरों में ऊंचा उठाता हो? नहीं ना। बल्कि आपको भी अपने सभी काम करने के बाद ये लगता है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, वक्त बहुत निकाल दिया। तो वो काम करो जो करने योग्य है, जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में ही ऊंचा उठाए। बुद्ध आगे कहते हैं, पांचवा सूत्र है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज को अपनी आजीविका मत बना लेना। अब कोई व्यक्ति कसाई बनकर रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ भला? यदि उसको रोटी ही कमानी है तो भाई हजारों तरीके हैं, कसाई बनने की क्या जरूरत है? जीवन में धन ऐसे तरीके से कमाओ जो आपके मन में शांति लाए। बुद्ध आगे कहते हैं, छठा सूत्र है सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग या तो किसी काम को करते ही नहीं है, और यदि करते भी हैं तो उसे अति में करते हैं। अति मतलब अधिक मात्रा में, ज्यादा। यह बिल्कुल ऐसा है कि जब तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो, तब तुम ना तो प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचते हो और ना ही बहुत कम खींचते हो, क्योंकि अगर तुम प्रत्यंचा को अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा, और यदि कम खींचोगे तो पहले गिर जाएगा। इसीलिए प्रयास सम्यक होना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, सातवां सूत्र है सम्यक स्मृति। बुद्ध कहते हैं, सम्यक स्मृति का अर्थ है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना, परंतु ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भुला देते हैं। जीवन में याद रखने योग्य केवल और केवल वही चीजें हैं जो सही हैं। जो चीजें बेकार हैं उन्हें याद रखने का कोई फायदा नहीं। आप खुद अपने जीवन को देखो, आप क्या करते हो? पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ये सब आपको याद रखा रहता है। आज मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी, ये सब याद रखा रहता है। आज दोस्त के साथ गप्पे नहीं मारे, ये सब याद रखा रहता है। आज घर में इस तरह की लड़ाई हो गई, ये सब याद रखा रहता है। आप बात को पकड़ पा रहे हो? हम सार्थक को छोड़ते हैं और व्यर्थ को पकड़ते हैं। आप अगर एक बार किसी पुस्तक को पढ़ते हो, अगर उस एक बार पुस्तक पढ़ने से आपके जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, तो आप उस पुस्तक को तो छोड़ दोगे और ज्यादा प्रयास नहीं करोगे कि मुझे और ज्यादा जानना है। आप क्या करोगे? अगर शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो में मजा नहीं आ रहा तो दूसरी स्क्रॉल कर दोगे। अगर एक दोस्त के यहाँ मजा नहीं आ रहा तो दूसरे के यहाँ भागोगे। अगर शराब में नहीं आ रहा तो अफीम गांजे की तरफ भागोगे। वहां प्रयास करते हो, व्यर्थ को पूरी तरह से पकड़ कर रखते हो और सार्थक को एकदम से छोड़ देते हो। इसीलिए तो ध्यान रखो कि सार्थक चीजों को अपनाओ और व्यर्थ चीजों को त्यागो और व्यर्थ चीजों को अपने से दूर कर दो। बुद्ध आगे कहते हैं, आठवां सूत्र है सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं, समाधि में भी जागरूक रहना, क्योंकि जहां जागरूकता नहीं वहां बेहोशी है, वहां नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को उपलब्ध होना। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए ये सूत्र आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस आपको अपनी क्षमता पहचाननी है और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। ये सूत्र चाहे सन्यासी हो या संसारी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। और अगर ये आपने अष्टांगिक मार्ग को गहराई से अपने जीवन में उतार लिया, जो जो एक एक सूत्र इसमें बताया गया है उन सभी को आपने अपनी निगरानी में रखकर एक एक को अपने जीवन में इस्तेमाल किया, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपका जीवन आज और अभी से ही बदलना शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।